आज हम जा रहे हैं गार्डन में। गार्डन में मैं पहले भी गया था, दो ढाई साल पहले जब लास्ट टाइम आया था, तो आज वहीं पे रीमेक कर रहा हूँ। आफ्टर 2.5 ईयर्स आई एम गोइंग बैक टू सेम गार्डन विच इज़ नियर बाई। तो ये पहले भी मैंने बताया यहाँ पे, तो ये वहाँ का वे है जाने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, तो इस मोड़ पे है पार्क। यहाँ से तो ये साइड पे पूरा देखो जंगल ही जंगल है। तो ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पे। तो नाम था जमन अवाम मीरी। तो ये यहाँ पे पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया से उस तरफ से हम अंदर जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे इनका ये भी बना हुआ है, ऊपर जाके बंदा दूसरी तरफ जा सकता है। काफ़ी 2 साल पहले मैं पैंडेमिक के पहले यहाँ पे आया था, अब फिर से वही रीमेक बना रहा हूँ। यहाँ पे बताऊँगा क्या चेंज हुआ क्या नहीं। तो ये ऊपर का यहाँ पे बनाया था मैंने पहले, तो अभी फिर से जाऊँगा ऊपर तो वहाँ पे बनाता हूँ। तो ये स्टेयर्स हैं यहाँ पे। ये स्टेयर्स बंदा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जा सकता है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा व्यू है यहाँ पे। अभी जा रहा हूँ लास्ट वाले फ्लोर पे। दो ही तो फ्लोर हैं, एक है फर्स्ट फ्लोर सेकंड, पर यहाँ का दो स्टेयर्स का ऊपर मिला के एक फ्लोर बनता है। जैसे ये देखो, यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोर होना चाहिए था पर यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे पूरा व्यू दिखेगा आपको जो पूरे मीरी शहर का है। यहाँ ये पूरा देखो यहाँ से। ये है, लास्ट टाइम भी मैं इस ब्रिज से गया था, ये जो बनाया उन्होंने हैंगिंग सा ब्रिज। तो अभी फिर से एक बार ट्राई करूँगा। नीचे स्विमिंग पूल है इनका, में जो बनाया हुआ है इन्होंने, ये बहुत सही है। तो नीचे पूरी यहाँ पे अभी रेस्टोरेंट्स भी खुले हैं। जब लास्ट टाइम मैं आया था तब इतने रेस्टोरेंट नहीं थे यहाँ पर, तो वहाँ पे भी बंदा टाइम स्पेंड कर सकता है। और अगर उस साइड पे दिखाऊँ तो वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, तो उसके मतलब मुताबिक यहाँ पे जैसे आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, वो भी एक किस्म के एम्प्टी रहते हैं, कोई खेलने वाला है नहीं है वहाँ पे। और ऐसे ही एक पहले भी मैंने कल देखा था, वहाँ पे कोई है नहीं है, अनलेस कि अदर जो एशियन कंट्रीज जहाँ पे काफ़ी अलग बात है, वहाँ पे तो गवर्नमेंट बनाती नहीं है, और जब कभी बनाती है तो काफ़ी क्राउडेड रहते हैं। तो इन बिटवीन द सिटी ये ग्रीनरी है पूरी, ट्रीज पूरा बनाया हुआ है, और ये है यहाँ पे भी। तो वहाँ से अब मैं नीचे आ गया हूँ यहाँ पे। तो अभी ये एंट्रेंस है ब्रिज की। हैंगिंग ब्रिज और कुछ भी कह सकते हो आप उसे।
तो नीचे बंदा चलता है तो ये ब्रिज पूरा हिलता है। तो ये ब्रिज से वहाँ से एंट्रेंस करके आया हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ से फिर तो अभी दूसरी तरफ जा रहा हूँ, पर थोड़ा सा स्केरी है ब्रिज कि लकड़ियों का बना हुआ है और दूसरी तरफ ये लगे हुए हैं। तो जाने में थोड़ा सा डर लगता है पर इतना ज़्यादा नहीं। पर ये है, बंदा दौड़ नहीं सकता इस पे आराम से, ये जो एक कैजुअल वॉक होती है वही कर सकता है इसमें। और नीचे की तरफ दिखाऊं तो वो नीचे स्विमिंग पूल है। जब मैं पिछली दफ़ा यहाँ पे आया था तब मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी, जैसे वो बास्केटबॉल कोर्ट है वो पहले नहीं था तो वो अभी इन्होंने ऐड कर दिया है, तो मोर ओवर जो लोग हैं यहाँ पे और आ सकें और अपना टाइम स्पेंड कर सकें। पर एक चीज़ है, ये जो साइड पे देख रहे हो इस तरफ और उस तरफ, ये पूरा ग्रीनरी तो है, एट द सेम टाइम यहाँ पे मतलब जंगल। उस तरफ से आके अब यहाँ पे आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो यहाँ पे, इवन दो मेरे ख्याल 50 मीटर का लंबाई है और यहाँ से नीचे जा सकते हो। और उस तरफ से जाके आप बाहर पार्किंग की तरफ निकल सकते हो कि जहाँ पे आपकी कार पार्किंग होगी वहाँ पे डायरेक्ट जाके, वहाँ से अगर नहीं जाना है तो वहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं, वो नीचे तुम जा आप लोग जा सकते हो। आगे जाता हूँ मैं, आगे जाके फिर मैं बताता हूँ आपको। इस मतलब एक है ये ब्रिज जो है, ऑब्वियसली इसको मेंटेन करके तो रखना पड़ेगा, जो ये लकड़ियाँ वगैरह बारिश डेली तकरीबन होती है यहाँ पे, उसकी वजह से ये मतलब टूट भी सकता है। और ये मैं कह रहा था, अगर आप तो नीचे जाओगे यहाँ से स्टेयर से, वो सीधा आपको उधर स्विमिंग पूल की तरफ लेके जाएगा। और यहाँ से ऐसा है व्यू, पूरा ग्रीनरी है और पेड़ वगैरह सारे बने हुए लगाए हुए हैं, पूरा प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है। तो अब आगे की तरफ जा रहा हूँ, पर अगेन वो ध्यान पे रखना पड़ेगा कि हाँ भाई धीरे धीरे चले इस पर, उस तरफ से भी लोग आएंगे, यहाँ से भी आएंगे। यहाँ से दिखाऊँ पूरा व्यू, तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है नॉट मोर देन 10% एट एनी वन टाइम। तो कहने का मतलब है 10 से नॉट मोर देन 10 पीपल टू वॉक ऑन दिस ब्रिज, 10 से ज़्यादा लोग नहीं यहाँ से अपना चल सकते हैं, मतलब एक समय पे एक टाइम पे। तो अब स्टेयर्स लेके यहाँ पे मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके फिर थोड़ा आगे पीछे दिखा के फिर वापस बनता जा सकता। यहाँ पे ये बनाया हुआ है एक सर्कल सा, जहाँ पे अपना जूते खोलने के बिना वहाँ पे बंदा चल सकता है, और जो नर्व्स वगैरह होंगी फुट की वो मसाज करने में और व्हाटएवर वो आपको हेल्प करेंगी। तो ये स्टोन्स आपको दिखाऊं, तो बिना जूतों के बंदा चल सकता है इस पर, और इतना आसान नहीं होगा चलना इस पर, ये आगे तक पूरा गया हुआ है। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इस पर चलने की, एक तो बंदा तेज ना चले।
तेज ना चले इस पे और बिल्कुल धीरे धीरे चले, तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो फुट पे मसाज करेंगे। तो ये पूरा एक सर्कल सा वहाँ से घुमा के इधर तक का के पीछे घूम के इधर गया हुआ। तो ये था यहाँ पे, ये यहाँ से ऊपर नीचे जाके, पर अगेन वो फुट पे थोड़ी पेन रहती है। वैसे मैं मतलब जो बंदा एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, जिम वगैरह जाता हूँ, तो उसके लिए नॉर्मल है। जो नहीं करता वर्कआउट वगैरह, पहली दफ़ा चले तो वो काफ़ी चुभते हैं पाँव में। तो इस तरफ एक छोटे से पार्क में एक छोटी सी जगह बनाई हुई है जो मोस्टली वैल्यूएबल भी हो सकती है। ये देखिए स्केटिंग पार्क, स्केटिंग के लिए बनाया हुआ है, जहाँ पे आप जो स्केट करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे उनके लिए। और ये एरिया आगे जा रहा है स्विमिंग पूल की तरफ। तो जो अगर हाइट नापनी हो तो इस पे बंदा आके कर सकता है। तो ये यहाँ पे स्विमिंग पूल है मेरे पीछे। चार्जेस वगैरह को पता नहीं, वो मैंने कभी इंक्वायर नहीं किया कभी मैं गया, पर यहाँ पे स्विमिंग पूल है। तो ये एक यहाँ पे ये भी लिखी वार्निंग, नो स्मोकिंग, नो बाइक, नो मोटरसाइकिल। तो ये गाइडलाइंस तो रहेंगी हर जगह पे। और ये स्विमिंग पूल इस तरफ है, यहाँ ऊपर से भी आया था घूम के कि कचरा वगैरह ना हो इसलिए। इस तरफ अगेन ये पूरा जो एरिया पूरा बाम्बू वगैरह के ट्री लगाए हुए हैं। तो ये यहाँ पे व्यू है, ये ब्रिज था वहाँ से शुरू था, इधर से आया, उधर से हम गए नीचे, नीचे से घूम के इधर। तो ये एग्जिट की तरफ जाते हुए, तो ये था टूर इस पार्क का। 2 साल के बाद वापस आया हूँ यहाँ पे, और पीछे मेरे ये सी हॉर्स है यहाँ पे, और इस तरफ भी स्टैचू लगा हुआ है। उस तरफ हाइकिंग का एरिया भी है और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है और अच्छा पार्क है। और ऑब्वियसली द पॉपुलेशन की वजह से लोग भी यहाँ पे कम है। तो अगेन कि फिर से पता नहीं कब वापस आऊँ। तो काफ़ी मतलब कि अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। अगर तो बंदा फैमिली के साथ आए तब तो 2-3-4 घंटे हाफ डे कर सकता है, पर अकेले आ रहे हो तो मे बी अराउंड 1 घंटे से भी कम। मैंने तकरीबन आई थिंक 30-40 मिनट स्पेंड किए हैं। तो यहीं पे वीडियो में एंड करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।